Hi everyone, this is आज का टॉपिक है हमारे डिस्कशन का यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे असाम के विलेजेज ने उसको अपोज किया है उसको अपग्रेड किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेकिन विलेजेस जो है अपोज कर रहे हैं ये वो एरिया है जहाँ पे आपके गोल्डन लंगूर्स जो है वो, वो, वो पाए जाते हैं उनका हैबिटेट है तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील क्या दो तो बिग इनमे का फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी आसाम स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं आसाम पी एस सी एस एस सी टी टी जी के कोर्सेज ई एम आई पे भी अवेलेबल हैं आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके या फिर वेबसाइट विजिट करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं अब देखिए जो नेबर्स हैं गोल्डन लंगूर है के यहाँ पे यानी किनको हम नेबर्स बोल रहे हैं आसाम के इस एक एरिया के विलेजेस को नेबर्स करके रेफर किया जा रहा है ये एरिया है असम का गांव डिस्टिक वेस्टर्न असाम्स गांव डिस्ट्रिक्ट जहां पे आपके गोल्डन लंगूर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उनका हैबिटेट है अब यहाँ पे जो लोग हैं वो अपोज कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि आप उस एरिया को अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना बनाएं मेन रीज़न यही है क्योंकि जब कोई चीज़ अपग्रेड हो जाता है कोई एरिया तो वहाँ पे विलेजेस का जाना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं तो उनके काम काज इफेक्ट होते हैं इसलिए इस तरह का प्रोटेस्ट देखा जा रहा है तो ये हम डिटेल में जानेंगे गोल्डन लंगूर के बारे में भी जानेंगे देखिए ककोए जाना रिजर्व फॉरेस्ट तो ककोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये आ, किस लिए फेमस है गोल्डन लंगूर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है गोल्डन लंगूर, लंगूर का साइंटिफिक नेम है ट्राकेपथिकस गई ये सिर्फ आपके असम और भूटान वाले एरियाज में ही पाए जाते हैं गोल्डन लंगूस और वर्ल्ड के जितने भी प्राइमेट्स हैं जो वर्ल्ड के 25 मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट्स हैं उनमें से ये गोल्डन लंगूर्स एक ये भी हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हुई है असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जनवरी में ही उन्होंने एक शुरू में प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन निकाला कि 19.85 स्क्वायर किलोमीटर का जो पैच है फॉरेस्ट का उसको हम कजोए जाना बमोनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे उन्होंने किसकी बात की अपग्रेडेशन की किस एरिया को हम अपग्रेड कर देंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देंगे और ये मेमोरेंडम सेकेंड फेबररी को सबमिट किया गया जो प्रोटेस्ट वाला है जो नहीं चाहते थर्टी फोर विलेजेस के बिहाफ पे अराउंड ककोई जाना कि आगे पीछे जितने भी विलेजेस आते हैं वहाँ पे लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया आ, जैसे कि कोच राजबंशी बोरो गारो राभा गोरखा कम्युनिटीज ये सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें अब लंगूर के बारे में आपको मैं बताऊं तो जनरल नेम बहुत सारे स्पीशीज़ को एशियन मंकीज़ को हम लंगूर बोलते हैं जो सब फैमिली कोलोविनय से बिलोंग करते हैं अपने बहुत सारे एनिमल्स को लंगूर करके रेफर करते हुए सुना होगा तो एक जनरल नेम है ये टर्म ऑलमोस्ट uh, आपके टू डजन इस तरह के मंकी के स्पीशीज हैं लीफ मंकीज हैं जिनके लिए रिजर्व है जिनके लिए हम यूज करते हैं और सब फैमिली के और भी कुछ मंकीज हैं जिनके लिए ये टर्म लंगूर यूज की जाती है या तो हम बंदर बोलते हैं मंकी या फिर लंगूरस बोलते हैं अब आपने कॉमन कौन कौन से देखें कॉमन ग्रे और हनुमान लंगूर देखा होगा जिसका साइंटिफिक नेम रहता है सेमनोपिथिकस एंटेलस ये पूरे साउथ एशिया में बहुत कॉमन है पाए जाते हैं सिक्सटीन स्पीशीज हैं इनकी जो हिमालय नॉर्थ में हिमालय से लेकर पेनिनसुलर इंडिया तक यानी साउथ तक ये स्पीशीज़ आप सिक्सटीन सब स्पीशीज़ हैं लंगूर्स की जो पाई जाती हैं और फॉरेस्ट और ह्यूमन हैबिटेशन जहाँ पे लोग रहते हैं गांव हैं जहाँ पे फसलें होती हैं वहाँ पे बहुत कॉमन है ये मिलते हैं लंगूर्स की बात कर रहे थे लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली गोल्डन लंगूर के बारे में बात करेंगे गीज़ गोल्डन लंगूर यानी ट्राकिपथिकस गेई जो है इसको गोल्डन लंगूर ही कहा जाता है जिसका ये साइंटिफिक नेम है ओल्ड वर्ल्ड मंकी करके भी रेफर किया जाता है स्मॉल रीजन है वेस्टर्न असम में और कुछ एरियाज़ माउंटेन एरियाज़ आपके भूटान के वहीं पे सिर्फ ये वाली स्पीशीज़ जो है पाई जाती है गोल्डन लंगूर्स की और बहुत लोग हिमालयन लोग अगर आप देखेंगे मंकीस की लंगूर्स की पूजा करते हैं इनको सैक्रेड मानते हैं पहले गोल्डन लंगूर ये माना जाता था वेस्टर्न वर्ल्ड की पहली अटेंशन गोल्डन लंगूर की तरफ गई थी नेचुरलिस्ट थे एडवर्ड पिचर्डगी इन नाइनटीन उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरफ अटेंटिव किया इस स्पीशीज़ के बारे में एडल्ट मेल्स जो आपको इस गोल्डन लंगूर के दिखेंगे उनका क्रीम टू गोल्डन कोट रहेगा जो फर्स होंगे क्रीम से गोल्डन कलर के पाए जाएंगे डार्क फ्लैंक्स आपको फीमेल्स में मिलेंगे और जुवेनाइल्स जिनके बेबी लंगूर्स हैं वो थोड़ा लाइटर फर में आपको कलर उनका मिलेगा फेस इनका अगर आप देखेंगे टोटली ब्लैक फेस आपको नज़र आएगा टेल काफ़ी लंबी रहती है 50 सेंटीमीटर लेंथ तक भी इनकी टेल जाती है तो हैबिटेट की बात तो बताई मैंने आपको एरिया तो बता दिया जोग्रफिकली लेकिन ये बहुत हाई ऊंचे-ऊंचे पेड़ों पर पे रहते हैं हर्बी बोरस डाइट है इनकी आ, फ्रूट्स खाते हैं कच्चे या पके हुए फ्रूट्स खाएंगे, यंग लीव्स खाएंगे सीड्स खाएंगे बर्ड्स फ्लास तो हर्बी बोरस यानी घास प्लांट्स यही ये खाते हैं स एग्जैक्टली हर्बी वर्स यानी प्लांट्स वाली डाइट ही है इनकी एवरेज ग्रुप साइज इनका कितना है एक ग्रुप में एट लंगूर गोल्डन लंगूर्स आपको मिलेंगे और मतलब रेशो ऐसे रहेगी एक मेल पे एक फीमेल और एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज है इंडिया और भूटान दोनों में ही इसका यूज स्टेटस की अगर आप बात करें जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके साउथ में भी आपको स्पीशीज मिलेगी ईस्ट बाय द मानस रिवर ये जो इनका हैबिटैट है ओके okay, यहाँ पे हम उनके हैबिटैट की बात करें जिसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है तो उसके साउथ में आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलेगा ईस्ट में आपको क्या मिलेगा मानस रिवर मिलेगा वेस्ट में आपको संकोश रिवर मिलेगा और ये इसका पूरा और नॉर्थ में आपको जो भूटान आ गया और उसकी जो ब्लैक माउंटेन्स है इस तरीके से इनका हैबिटैट पूरा सराउंडेड है तीन तरफ से रिवर्स और नॉर्थ में आपको Uh, मिलेंगी माउंटेन्स भूटान की प्रोटेक्शन स्टेटस एंडेंजर्ड बता चुकी हूँ साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स वन में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू के हिसाब से स्कड्यूल वन में आते हैं थ्रेट्स क्या है इनको किसी भी एनिमल में सबसे पहले थ्रेट उसके हैबिटाट को होती है जिसकी वजह से उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है तो हैबिटाट इसका नेचुरल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है वो आपने देखा तो खतरा इसके हैबिटाट को Uh, काफ़ी क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड हैबिटेट है तीन तरफ तो पानी है कहीं और मूव नहीं कर सकते उसी एरिया में पाए जाएंगे तो इसलिए भी एक्सटिंक्शन का डर हो जाता है हैबिटेट फ्रैक्चिर वही एरिया है इतने कम एरिया में पाए जाते हैं तो फ्रेगमेंटेशन भी हो रही है वहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है मैसिव डिफॉरेस्ट्रेशन पेड़ काटे जा रहे हैं तो इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है langours, तो इन ब्रीडिंग और ऑब्स्ट्रक्शन सच एज वायर्स एंड गैप्स इन द फॉरेस्ट ड्यू टू फेलिंग हैव इंक्रीज द थ्रेट ऑफ इन ब्रीडिंग अमंग गोल्डन लंगूर्स तो इनमें इन ब्रीडिंग भी शुरू हो गई है दैट इज़ वाई इससे आपका जो पॉपुलेशन है वो बहुत डिक्लाइन हो जाता है अब Uh, जिस तरीके से यहाँ पे तीन टर्म्स यूज़ हुई हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूज़ हुई है रिजर्व फॉरेस्ट यूज़ हुआ है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स यूज़ हुआ है तो अब इसको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है तो इनमें क्या क्या फ़र्क है क्यों जो आपके विलेजेस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी uh, वो है एरिया जो रिज़र्व है किसके लिए सिर्फ वाइल्ड लाइफ यूज़ के लिए यानी एनिमल्स रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स बर्ड्स एट्सट्रा या वाइल्ड एनिमल्स हो गए जिनको एक्सटिंक्शन का डर है उसको यहाँ पे रखा जाएगा रेयर वंस इसलिए ताकि वह अपने शांति से पूरी लाइफ अपने यहाँ पे काट सकें और उनकी पॉपुलेशन वायबल रिप्रोडक्टिवली वायबल बनी रहे वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह की पावर्स देता है कि वो किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल पार्क या क्लोज एरिया रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है ये वो आप काफ़ी आपके रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट रहते हैं और इनको कौन बनाता कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट और एनी फॉरेस्ट ऑन एनी फॉरेस्ट लैंड किसी भी फॉरेस्ट लैंड को वो रिज़र्व फॉरेस्ट घोषित कर सकते हैं या किसी वेस्ट लैंड को यानी वो प्रॉपर्टी आपकी गवर्नमेंट से बिलोंग करनी चाहिए रिजर्व फॉरेस्ट में लोकल लोकल जो लोग होते हैं उनको प्रोहिबिट किया जाता है वो नहीं आ सकते जब तक कि उनको स्पेशल किसी काम से फॉरेस्ट ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी सेटलमेंट के लिए या प्रॉपर आपको गवर्नमेंट परमिशन मिलेगी पर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया जिस अकॉर्डिंग आपका जो सेक्शन टू ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये ये कॉमन फॉरेस्ट लैंड है ट्रेडिशनल एरिया है यहाँ पे कस्टमरी बाउंड्रीज आपकी रहती हैं लेकिन विलेज यहाँ पे आ सकते हैं पेस्टोरल कम्युनिटीज जो अपने लाइफ स्टॉक को ग्रास खिलाने के लिए या ग्रेजिंग के लिए लेके आ रहे हैं आ, तो यहाँ पे आपको तीन डेफिनेशंस जो हैं वो नजर आती हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स की रिजर्व फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी अपग्रेड किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम गोल्डन लंगूर को कंजर्व करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्डन लंगूर ओविस एरिस गई गईस कैबलिस आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल में बताने के लिए बाकी कोर्सेज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज ई पे भी अवेलेबल है थैंक यू सो मच